शिवाजी नगर गुंडों का अड्डा है क्या, बोले संजय दीना पाटिल। छोड़ दीजिए आप, मुझे लगा था वो जरा ठहरे हुए व्यक्ति है, विधायक है, इतने देर पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, पर ये जो कर रहे हैं वो उससे कोई उनको फायदा होने वाला नहीं है। और आखिरी कोशिश कर रहे हो क्या, अभी मोदी जी को ला रहे हैं यहाँ पे रोड शो करने के लिए, और उनका अभी हारे हुए व्यक्ति कुछ ना कुछ मरता क्या नहीं करता, अभी उनकी आखिरी कोशिश है क्या मोदी जी को ला के कुछ जीवनदान मिल पाए, पर ये होगा नहीं। लोगों ने, ईशान्य मुंबई की जनता ने डिसाइड कर लिया है क्या संजय दीना पाटिल ही उनका सांसद होगा, और ये होके रहेगा। वो कितनी भी कोशिश कर ले, ये झूठे वादे, झूठे आश्वासन, ये झूठे आरोप, ये कुछ काम नहीं आने वाले। उनको अभी लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो लोगों का निर्णय है क्या संजय दीना पाटिल को 3 नंबर बटन दबा के मशाल निशानी पे जिताना है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी, आप और जो मित्र पक्ष है उनके कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, लोगों की सेवा की है, उसका उन्होंने स्वागत करना चाहिए और मान लेना चाहिए कि अभी संजय दीना पाटिल सांसद हो रहे, और ये रोने का काम बंद कर देना चाहिए। उत्तर पूर्व मुंबई की महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल पर महायुति के उम्मीदवार मिहिर कोटेचा ने आरोप लगाया था कि शिवाजी नगर गुंडों का अड्डा है और ड्रग्स वगैरह यहीं से पूरे मुंबई में सप्लाई होते हैं और इसके लिए संजय दीना पाटिल को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन संजय दीना पाटिल ने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि महायुति के पास कोई मुद्दा ना होने की वजह से इस तरह की बातें इलेक्शन के समय वैक कर रहे हैं। नहीं नहीं, आतंकवादी नहीं कहा है, उन्होंने कहा है ये गुंडों का अड्डा है और जो नशीले पदार्थ है और गुटखा है वो वहाँ पहले शिवाजी नगर मानकुर में आता है फिर मुंबई में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा उनका बोलना है। पर ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा अगर हो रहा है तो गए 10 साल से उनकी सरकार है, तो उनकी सरकार थी तभी वो क्या है अभी सरकार, तो किसकी राह देख रहे हो, कार्रवाई करने में किसने रोका है उनको? वो इतने 10 साल उनको मालूम होते हुए भी उन्होंने ये बात अपने प्रशासन से, अपने सरकार से छुपा के रखी है, और कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? खाली किस समय के लिए राह देख रहे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, उनको उनको उनकी ज़रा गलतफहमी है क्या, उनको लगता है क्या शिवाजी नगर मानकुर में सिर्फ एक विशिष्ट जाति धर्म के लोग रहते हैं? ऐसा नहीं है। शिवाजी नगर मानकुर, जिनका नाम ही शिवाजी महाराज के ऊपर है, वहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। और ऐसा उनका जो बोलना है क्या ये क्रिमिनल्स का अड्डा है या यहाँ पे ड्रग्स ये आते हैं और यहाँ से सप्लाई होते हैं, जो उनका ये बोलना है वो सरासर झूठ है। और ये चुनाव में अभी उनके पास कुछ मुद्दे रह नहीं गए। पहले उन्होंने कहा क्या बाबा ये पाकिस्तान है, फिर उन्होंने कहा बांग्लादेशी बांग्लादेश है, फिर कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी मोदी मोदी करते हैं, कभी पत्थर मारते हैं पत्थर मारा बोलते हैं, अलग अलग चीज़ों से वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। उनके पास उनके कुछ काम नहीं है, मुद्दे नहीं है, लोगों के पास जाने के लिए उनको कुछ बातें नहीं है, प्रतिसाद नहीं मिल रहा है, तो वो बौखला के ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से उनको विनंती है, आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आप ज़रूर अगर ऐसा हो रहा है वहाँ पे तो आप ज़रूर कार्रवाई कीजिए, आपको रोका किसने है? और ये बालिशपना छोड़ दीजिए आप, मुझे लगा था वो ज़रा ठहरे हुए व्यक्ति है, विधायक है, इतने देर पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, पर ये जो कर रहे हैं वो उससे कोई उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है। और आखिरी कोशिश कर रहे हो क्या, अभी मोदी जी को ला रहे हैं यहाँ पे रोड शो करने के लिए, पर उनका अभी हारे हुए व्यक्ति कुछ ना कुछ मरता क्या नहीं करता, अभी उनकी आखिरी कोशिश है क्या मोदी जी को ला के कुछ जीवनदान मिल पाए, पर ये होगा नहीं। लोगों ने, ईशान्य मुंबई की जनता ने डिसाइड कर लिया है क्या संजय दीना पाटिल ही उनका
सांसद होगा और ये होके रहेगा। वो कितनी भी कोशिश कर ले, ये झूठे वादे, झूठे आश्वासन, ये झूठे आरोप, ये कुछ काम नहीं आने वाले। उनको अभी लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो लोगों का निर्णय है कि संजय दीना पाटिल को 3 नंबर बटन दबा के मशाल निशानी पे जिताना है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी, आप और जो मित्र पक्ष है उनके कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, लोगों की सेवा की है, उसका उन्होंने स्वागत करना चाहिए और मान लेना चाहिए कि अभी संजय दीना पाटिल सांसद हो रहे। और ये रोने का काम